मेरे भाई। भाई हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। आ गए आ गए आ गए, आ जाओ और यहां से बस एक दो कदम आगे, और ये देखो कैसा लगा तुम्हें? खूबसूरत है। हम यहाँ क्यों आए हैं? अब तुम्हारा स्कूल खत्म हो रहा है और इंशाल्लाह बैरून मुल्क भी एडमिशन मिल जाएगा। आते हुए ये दुकान दिखाई थी तो सोचा किराए पे दिलवा दूं तुम्हें, एक फार्मेसी खोलते हैं। आप भी ना भाई। ये गोदाम है मालिक का, 6 महीने के लिए किराए पर देना चाहता था तो मैंने उसे कहा कि 6 महीने के लिए मुझे दे दो। आप संजीदा हैं भाई? 100% मेरी बहन, फालतू बात करता हूं क्या मैं? एक बात कहूं भाई, ये जगह बहुत महंगी है। इसकी ज्यादा फिक्र मत करो तुम, ये बताओ अच्छी लगी या नहीं? बहुत अच्छी लगी, मगर अम्मी वो क्या कहेंगी? अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम राज रखेंगे। भाई आपका ये कर्ज किस तरह अदा करूंगी मैं? बस इसी तरह हमेशा खुश रहना। अरे एक मिनट रुको जरा। आइए फार्मासिस्ट खातून, आपकी नई दुकान के सामने एक तस्वीर लेते हैं, आ जाओ। क्लिक, एक और। हमने बहुत से ख्वाब देखे थे। उठ जाइए भाई, अपनी आंखें खोलिए। मैं आपके बगैर क्या करूंगी मेरे भाई? क्या हो रहा है अंदर? आप सब्र से काम लें। भाई तो ठीक है ना, प्लीज बताइए मुझे। उम्मीद रखें। कुछ तो बताइए मुझे, क्या हो रहा है? इस दरवाजे को खोले प्लीज, मेरे भाई को कुछ हो रहा है। भाई मैं दिलान, भाई जाना नहीं, हिम्मत रखना, मैं खड़ी हूँ यहाँ। क्या कोई है मेरी मदद के लिए? कोई तो हमारा साथ दे प्लीज। पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, डिफिब्रिलेटर तैयार करें। ये लीजिए डॉक्टर, 200 जूल्स। कह दिया डॉक्टर। 300 जूल्स। रेडी है। खोलिए भाई, रास्ता दीजिए। मैडम आप यही रखिए, मुझे ले चलिए अंदर प्लीज। मुझे नहीं जा सकती, ले चलिए मुझे अंदर। हौसला रखिए, मेरी मदद करें प्लीज। भाई ठीक हो जाएंगे आप? भाई कोई मदद करे मेरी। रुक जाए भाई, रुक जाए, छोड़ के नहीं जाए भाई, हमें छोड़ के मत जाए भाई। करीम,
कुछ ठीक नहीं है, जान भी नहीं मिल रहा। उसी ने ये काम किया होगा। सारे काम छोड़ दो, जान को तलाश करो, लेकर आओ उसे। अगर जयदत्त को कुछ हो गया तो जान को खो दूंगा। जबरदस्त, यानी याददाश्त वाला सीन सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। बिल्कुल, तुम ही बताओ कि अगर जुमरत नहीं होती तो मैं तो अकेला हो जाता। बिल्कुल, पहले दिन से ही मेरी मदद कर रही है वो। हाँ, जुमरत ऐसी ही है, सबकी मदद करती है वो, फिर चाहे अनजान ही क्यों ना हो। बहुत अच्छी लड़की है। मैं चलता हूं। अली, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, फिक्र मत करो। मत पूछो हमारे साथ आज क्या क्या हुआ है। क्या हुआ? दुकान पर छापा पड़ा था। क्या अली? डरने की कोई बात नहीं, पुरसुकून रहो। पुरसुकून क्यों? मैंने ही तो आकर इसे उन लोगों से बचाया था। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मुझे अर्जेंट जाना पड़ा। जुमरुद, वो लोग कौन थे? जुमरुद सुनो, कहाँ हो, दुकान पर नहीं गई तुम? मैं भी रास्ते में हूँ अम्मी। आप घबराई हुई लग रही हैं, क्या हुआ है? हाँ सुनो बेटी, वो दिलान ने बताया था कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है, तो हम वहीं जा रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? आप कहाँ हैं? मैं बस आ रही हूँ। नहीं बेटी, तुम दुकान पर ही रहो, तुम्हारे बाबा भी बीमार हैं, उनका ख्याल रखना है। अरे अम्मी, मगर भाई को हुआ क्या है? कराबे फैमिली ने तो कुछ नहीं किया। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक हादसे में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। परेशान मत हो तुम। अम्मी देखें, आप सच कह रही हैं ना मुझसे? भाई ठीक तो है ना? हाँ सच कह रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक और बात बेटी, अपने बाबा को ये बात मत बताना, दिल के मरीज हैं तुम्हारे बाबा। ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। ठीक है बेटी, रखती हूँ फोन। अम्मी आप ठीक है ना? हाँ। रुको रुको, आइए चलते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा बाबा, वो जयदत्त अभी तक नहीं मरा, बरान ने आकर उसे फिर बचा लिया। बेटा, मौत का फरिश्ता अब भी उसके सर पर है, अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ। उस बरान ने हॉस्पिटल में हलचल मचा रखी है बाबा। अपनी फजूल बातें बंद करो और हॉस्पिटल जाओ और देखो वहां क्या चल रहा है। परेशान मत हो, कुछ सोचता हूं मैं। ठीक है बाबा। हाँ बात सुनो, हॉस्पिटल में कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, ठीक है? महतात रहना, किसी को भी शक ना होने पाए, ना ही तुम पर और ना ही मुझ पर। अब तुम जाओ, चलो।